राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं आज राजधानी भोपाल में भी सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान ये मुद्दा उठाया था कि भारत में सिख अपनी परंपराओं का पालन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब सिख समाज के लोग नाराज हैं और भाजपा भी इस नाराजगी को भुना रही है। भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान शर्मनाक है। भोपाल में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे के समीप राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए और सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने के नारे लगाते हुए उनसे माफी मांगने की अपील भी की। देखिए, राहुल गांधी अपनी बंटवारे की राजनीति के तहत इतनी ओछी हरकत पर आ गए हैं कि अब सिखों पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, सिख ऐसे पंथ है, ऐसी कौम है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। जो आपदा हो, विपदा हो, कोरोना जैसी महामारी हो, सदैव अपने प्राणों की आहुति देकर समाज के बीच में रहते हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार से बंटवारे की राजनीति के तहत आज सिखों की दस्तार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात झूठी फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके कड़ों पर प्रश्न उठा रहे, राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। और सिख समाज उन्हें चेताना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी के पिताजी ने कहा था कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, और सिखों का नरसंहार कराया था। राहुल गांधी वही है जो जगदीश टाइटलर को बचाते रहे। राहुल गांधी वही है जिसने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, लगातार प्रमोशन दिया। क्यों? क्योंकि सिखों की बहन बेटियों की आबरू लूटी गई। क्यों? क्योंकि सिखों के बच्चों के गले में टायर डाल के जलाया गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनको सार दिया गया, उनको जिस तरीके से मारा गया। राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिख हमारे देश की जड़ है। राहुल गांधी, तुम्हारे अलावा यहाँ पर आक्रांता आए, अंग्रेज आए और तुम्हारी कांग्रेस आई जिसने इस जड़ को हिलाने का प्रयास किया, पर ये जड़ वहीं की वहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस तो उखड़ गई पर सिख वहीं रहेगा। नहीं, उसने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। सिखों का कुर्बानी वो भूल चुका है। उसके 84 में क्या हुआ था उसको मालूम है। वो अब जो है भड़का रहा है सिखों को। मतलब सिख समाज सुरक्षित भी है? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है बिल्कुल। और बिल्कुल प्राउड करता है यहाँ पर हिंदुस्तान में सिख समाज। मैं चरणजीत सिंह सैनी राहुल के इस बयान का विरोध करता हूँ। और आज बीजेपी के राज में हम सिख लोग जितने सुरक्षित हैं, हम लोग कभी नहीं रहे। उसके बाप दादाओं ने भी हम लोगों को जो है कुचलने की कोशिश की थी। आज आप देखो, हमारा जो है करतारपुर कॉरिडोर खुला हुआ है, बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, सिखों को बहुत सम्मान मिल रहा है। इसलिए मैं राहुल गांधी को बोलता हूँ कि शर्म करो, तुम्हारे बाप दादों ने तो बहुत कोशिश करी थी हम लोगों को कुचलने की, अब तू क्या, तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सका। इसलिए हम जो है सिख लोग खुले रूप से हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ रहते हैं। कोई भी हमारे ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं लगी कभी पगड़ी बांधना और कड़ा पहनने पर। वो जाके जो वहाँ बकवास कर रहा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए।